तो आप बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए मैं गुड हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू न्यू आवर ब्लॉग। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेगूसराय का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस नौलखा मंदिर घुमाने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चुके हैं तो आप देख सकते हो, ये स्टेशन से 2 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है, जो कि बिशनपुर में स्थित है। और मैं आपको इस वीडियो में पूरा मंदिर घुमाऊंगा और जानकारी कंटिन्यू बने रहिए। मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये 1953 में संत महावीर दास के द्वारा बनाया गया था। तो ये इतना पुराना होने के बावजूद भी आज देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको दिखाता हूं मैं। बावजूद भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर देख सकते हो आप, शीशा का बना हुआ है, तो जो कि मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो पीछे पेंटिंग है, तो ये भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। आप कंटिन्यू ब्लॉग बने रहिए। बना हुआ है तो आप बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए बेगूसराय में ये और बिहार में मोस्ट फेमस टेंपल है। तो आप देख सकते हो, आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना पुराना होने के बावजूद भी आज देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आने के बाद इतना सुकून मिल रहा है कि आपको कभी मौका मिला तो मिलेगा तो आप भी आ सकते हो यहाँ घूमने के लिए। यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आ सकते हो। चलिए मैं आपको मंदिर के मुख्य द्वार का दर्शन करवाता हूँ, अब कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। मंदिर के मुख्य द्वार पे हम पहुंच चुके हैं। कितने पहले मंदिर ओपन है, तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, इसकी मत करिएगा, क्योंकि और कुछ भी दिखाने के लिए जैसे आप देख सकते हैं मंदिर के जस्ट सामने पार्क है। तो इसको आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको दिखाऊँगा पार्क को और फोटोशूट के लिए यहाँ वीडियो बनाने के लिए जगह भी है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए।
कैमरे से। मंदिर के बैक साइड में तो वहाँ महंत के लिए स्पेशल रूम बनाए गए। आप देख सकते हो इधर महंत के लिए स्पेशल रूम बनाए गए, यहाँ जो पूजा करते हैं उनके लिए। चलिए मैं आपको दिखा, देख सकते हो मंदिर के जस्ट सामने पार्क है, ये मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो बताया था मंदिर के जस्ट सामने पार्क है, तो आप देख सकते हो इधर पार्क है। तो मेरे फोन में अच्छे से मंदिर का लोग पूरा फुल मंदिर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ आइएगा तो बोर नहीं होइएगा। तो ये स्पेशल फ़ोटो शूट के लिए जगह है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो आप देख सकते हो इधर, चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग घूमने के लिए आते हैं, तो आपको मौका मिलेगा तो आप भी जरूर यहाँ आइए घूमने के लिए। बेगूसराय का मोस्ट फेमस टेंपल है नौलखा मंदिर, जो कि बिशनपुर में स्थित है। बेगूसराय स्टेशन से कुछ ही 2 किलोमीटर के लगभग गायरी के क्षेत्र में पड़ता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। देख सकते हो मंदिर के आगे तालाब सा बना हुआ है, तो आप देख सकते हो इधर। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। सो भैया को आप देख सकते हो, वो बोला मेरे को भी ब्लॉग में आना है, तो आप देख सकते हो भैया मिल गए, पूछ रहे हैं YouTube चैनल क्या है। तो आप भैया यहाँ जो कर रहे हो ब्लॉगिंग, तो इस जगह के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं। कितना क्या जानते हो बताओ? ये मतलब 1953 में बना था। अच्छा, संत महावीर दास के द्वारा। हाँ। और ये बेगूसराय का मोस्ट फेमस टेंपल है। अच्छा। बिहार में भी काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ, मतलब कि 1 जनवरी को नए साल में बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। बस इतना ही ना? इतना जानते हैं, और थोड़ा बहुत हमको नहीं पता है। बिहार सरकार के है ना, हाँ, पर्यटन विभाग में ये जगह शामिल है। अच्छा। पर पिछले 25 साल से इस जगह के उद्धार के लिए बिहार सरकार ने कोई भी राशि नहीं दी है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात आप ये जानो, ये अपने ज़माने में 9 लाख में बना था। अच्छा। और उस समय ये ज़मीन बहुत ऊँची हुआ करती थी, मतलब कि जो आप कोसी क्षेत्र देखते हैं ना। हाँ, हाँ, पीछे। हाँ। ये इतना चमकता था कि सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ती थी ना। हाँ। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके बहुत सारे चारों तरफ गांव में जाता था। ओ। और लोग उसको देखने आते थे, अभी भी ऊपर जाना मना है। हाँ। सीढ़ी हाँ, गया है, खंडर है, पता चला था। तो अगर ऊपर जाओगे ना, तो ये जितने सारे गुम्बद है ना, सब पे ना मतलब कसीदा किया हुआ है, शीशा के आकार का, शीशे के स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अंदर में भी बना हुआ। अंदर मैं बनाया हूँ, शूट किया हूँ। तो और उससे भी पहले ये पीछे जो महावीर मंदिर देखो। हाँ। ये बना था। ओ। ये मतलब आर्किटेक्चर के हिसाब से। अच्छा।
वो मंदिर इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, तो जैसा कि आप भैया बताएं कि ये मंदिर 1953 में 9 लाख के द्वारा 9 लाख में बनाया गया था और संत महावीर दास के द्वारा बनाया गया था। उधर भी आप देख सकते हो महावीर मंदिर है। तो चलिए मैं आपको वो भी मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। तो आप कंटिन्यू देख सकते हो, इधर पीछे ग्राउंड है, इसमें 1 जनवरी को मेला लगता है। तो हम भी फर्स्ट बार यहाँ आए हैं, तो चलिए ग्राउंड को देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये लोग मेरे फ्रेंड है, आप देख सकते हो इधर 1 जनवरी को मेला लगता है इधर इस ग्राउंड में। तो आप भी, आपको मौका मिले तो 1 जनवरी को यहाँ आइए, घूमिए और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट फेमस टेंपल है बेगूसराय बिहार का, टूरिस्ट पैलेस में से एक माना जाता है इसको। तो आप लोग आना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप भैया ने बताया कि वो उधर महावीर जी का मंदिर है, तो उसका भी चलिए मैं आपको दर्शन करवा ही देता हूँ। सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। इतना ही कुछ है, तो चलिए बाहर चलते हैं, मैं जा रहा हूँ। सो आप देख सकते हो ये मंदिर का मुख्य द्वार है, ये गेट बहुत ही पुराना है। तो देखने में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अद्भुत है। तो मंदिर से बाहर निकलते ही जस्ट आपको आगे तालाब दिखेगा और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए मैं आपको उसका भी दर्शन करवाता हूँ। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दरवाजे हैं, यहाँ से आप किसी भी दरवाजे से आ सकते हो दर्शन के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो मंदिर के ये बैक साइड, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंदिर के पीछे की जगह है। अभी चलते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।